आई एडमिट कि डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, बट ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन को क्योर नहीं किया जा सकता। हम डिप्रेशन को पीछे छोड़ सकते हैं यार। ओ हाय, मेरा नाम है अर्नब लाखा और मैं भी आपकी तरह इसी नई जनरेशन का हिस्सा हूँ। खैर, नई जनरेशन की बात आई है तो ये इस बात को डिस्कस करना ज़रूर बनता है कि हमारी नई जनरेशन इतनी ज़्यादा अनफिट क्यों है। आप में से ज़्यादातर लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर इसके बावजूद भी लोग दवाइयों पर गुजारा क्यों कर रहे हैं? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी मेडिकल इश्यूज़ को लेकर क्यों कंसर्न है? खैर, इन सब बातों का जवाब तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं अर्नब लाखा आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में 5 ऐसी रीजंस जिनको जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें एक्सरसाइज करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सारी वीडियोस की तरह भी इस वीडियो का गोल भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है एंड उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस की समझ देना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो पॉइंट नंबर 1, और व्हाई वी शुड एंगेज आवरसेल्व्स इन फिजिकल एक्टिविटी। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी वेट। नाउ बॉडी वेट इस जनरेशन की सबसे बड़ी और सबसे कंसर्न इनसिक्योरिटी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो इसमें कोई खुश या फिर नाराज होने वाली बात नहीं है। यू कैन ऑलवेज चेंज योर सेल्फ, यू कैन ऑलवेज बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, विच अल्टीमेटली हेल्प्स यू टू बैलेंस योर बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर गोल। सो प्लीज़, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने वेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न या फिर इनसिक्योर है, देन यू मस्ट जॉइन अ जिम एंड अ बैलेंस प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर गोल। अगर आपको पतला होना है या फिर आपको बॉडी वेट गेन करना है, देन जिम जाइए एंड एक प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 1, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2। ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्यों हमें जिम जाना चाहिए? हमें अपनी अगर हेल्थ कंडीशंस को और हेल्थ डिसीजेस को फाइट करने के लिए जिम जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट स्ट्रोक्स, हाई ब्लड प्रेशर एंड लेट्स से डायबिटीज़, ये बीमारियां आजकल की जनरेशन में कॉमन है अगर कंपेयर करें 10 साल पहले। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है एंड द टाइम वी लिव इन, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, हमारा कंफर्ट जोन बहुत छोटा हो गया है। हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर आप मार्केट भी जाते हैं तो उसके लिए भी आप बाइक या स्कूटी लेके जाते हैं। सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ये बीमारियां ज्यादा कॉमन है। जब आप एक हेल्दी वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं, देन आपकी बॉडी गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करती है, दैट इज HDL। ओके, सो HDL लेवल जब हमारी बॉडी में बूस्ट रहेगा तो हमारा ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा एंड हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। सो दिस वॉज अनदर रीजन Why you should engage yourself in physical activity. अगर आपको मजा आ रहा है इस वीडियो में, then embrace yourself for point number 3. अब point number 3 को discuss करने से पहले एक ज़्यादा important issue है जो कि जिसके regarding मैं काफ़ी ज़्यादा concerned हूँ। तो वो issue क्या है? वो issue है कि हमारी generation इतनी ज़्यादा pills पर dependent क्यों है? क्यों आजकल लोग हर चीज़ की दवाई खा रहे हैं? अगर आपको lack of focus है तो आप meditate क्यों नहीं करते? अगर आपके पास लैक ऑफ एनर्जी है तो फिर आप सनलाइट को क्यों नहीं लेते? अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो फिर आप किसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? विच इज पॉइंट नंबर 3, अगर आप किसी डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी में हो, देन आपको कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। आप मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर एंगेज करिए। आप बिजी रहिए, आपकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, आई गारंटी यू दैट। आई एडमिट कि डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, बट ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन को क्योर नहीं किया जा सकता। हम डिप्रेशन को पीछे छोड़ सकते हैं यार। डिप्रेशन अगर है तो काम करो, सिंपल सी एडवाइस है, सिंपल सी मेडिसिन है, काम करो। जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा उतनी जल्दी आप डिप्रेशन से बाहर आओगे। अपने आप को बिजी रखो। अगर आप पैसा कमाने का सोचो, आप अपनी बॉडी को शेप में लाने का सोचो, आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हो अगर आपको डिप्रेशन है तो? सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपको डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी है, मेंटल हेल्थ से कोई भी इशू है, देन प्लीज एंगेज योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटी ASAP, एज सून एज पॉसिबल। सो पॉइंट नंबर 4, एक्सरसाइज हेल्प्स अस इन बूस्टिंग अवर एनर्जी।
कैसे? लेट्स से आप मार्केट गए आप, या फिर आपने कोई छोटा सा टास्क करा, आप ऑब्जर्व करें अगर आप उसमें थक रहे हो तो ना आपकी बॉडी की एंड्योरेंस एंड मसल स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत कम है। तो आपको उसमें क्या करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करने से इससे कैसे फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा ऐसे होगा कि आपकी बॉडी के उन टिश्यूज के पास ऑक्सीजन जाएगी जिनके पास ऑक्सीजन सप्लाई कम है, जिनकी एंड्योरेंस अभी कम है। देन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप छोटे टास्क करके थक जाता है तो आपको एक्सरसाइज करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। एक्सरसाइज करने से हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा जिससे हम डिसीजेस को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय बूस्टिंग एनर्जी। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 4, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5। एक ऐसे इंसान है जिसको स्लीप इश्यूज हैं, देन दवाइयाँ खरीदने मत जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज करें। 20-30 मिनट हर किसी के पास होते हैं, अगर आपके पास बहाने ना हुए तो। एक्सरसाइज करने से आपकी नींद अच्छी और गहरी हो जाएगी, आपकी बॉडी से लेजीनेस चली जाएगी, आई गारंटी यू दैट। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है देन आई रिकमेंड that you join a physical program as soon as possible. Let's recap the points. तो यार मेरी तरफ से एक और छोटा अटैम्प्ट था आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू एड करने का। अगर आपको अटैम्प्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड इस वीडियो को शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ या उन रिलेटिव्स के साथ जो आपको कोई भी साइन शो करता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, एंड इफ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग हिज और हर फिटनेस जर्नी देन आई विश यू द वेरी बेस्ट।